किसान भराओ, इस प्रोग्राम राही असी तुहानू झोने की सीधी बिजाई अते खेती विच पानी की बचत बारे कामयाब हो चुके किसानां नाल मिलवा रहे हां। मैं अजीत सिंह औजला, फॉर्मर प्रेजिडेंट पी ए जू किसान क्लब। 15-16 सालों तो मैं सीधी बिजाई करता। 2008 दे विच मैं बासमती भी बीजी ते झोना भी बीजा, दोनों ट्राई किया। जिहड़ियां घाटां उहदे चाहीआं मैं अगले सालों उन्हां च सोध कीती। इहदे विच सब तो वड्डा पानी की बचत है, तो दूसरी गल ये भी जिहड़े साडे मतलब खर्चे आ बहुत घटते हैं। असी बिल्कुल मामूली वाह की पैली तो झोना बीज सकते हैं, पर ये जरूरी हैगी आ कि एक दो रौनिया कीतियां जान तां कि जिहड़ा पिछले साल का झोने का बीज या चौके का बीज विच पिया आ वो हरा पहला ही हो जाए बीजण तो। इस तरह करन दे नाल ना तो झोने विच मिक्स आऊगा कोई, तो दूसरी गल ये कि साडा झाड़ भी वधिया, खेत भी वधिया लगेगा। तुसी अज कल पिछले जमाने की यह सोच सी दब के वाह ते रज के खा, पर हुण वो सोच बदल चुकी आ। मतलब पहला दो रौनियां करके सीधी बिजाई करके उहदे मगर ही स्टोंप की स्परे कर दें। स्टोंप की स्परे करन दी नोट करन वालियां गल्लां इह हन कि जिहड़ी स्परे आ यूनीफॉर्म होनी चाहीदी आ, कदी भी जैग जैग नहीं करनी चाहीदी। इस तरह करन नाल कई जगह रह जाणगीआं। ते दूसरी गल टाइम भी बहुत काउंट करदा, जे शाम दे समय स्परे कीती जावे दी बेस्ट। ये दवाई जिहड़ी स्टोंप आ बहुत जल्दी उड़ जाती है, तो जिन्ना टेंपरेचर हाई होगा उन्नी जल्दी उड़ूगी और लेयर नहीं बनूगी। बीज हमेशा जिहड़ा कख वगैरह का उपरली तह च हुंदा हुंदा वो लेयर बण दे नाल नष्ट हो जाता, तो फिर उहदे विच नॉमनी गोल्ड करन दी भी स्परे लोड नहीं पैंदी, वो भी बचत साडी हो जाती है। तो दूसरी गल ये आ भी सानू ये एकदम तड़स नहीं लग जानी चाहीदी, झोना बीजा आ इन हुण पानी की लोड़ आ, उन्ना टाइम सानू उड़ीकना चाहीदा हैगा। 20-21 तो दिनों तो पहला जे रौनी करके झोना बीजा 20-21 दिन तो पहला पानी देना ही नहीं चाहीदा। जे असी दवांगे पानी भी बर्बाद करांगे तो फसल भी उन्नी मतलब हैल्दी नहीं होगी। तो इस कर मैं हमेशा इदा ही करता हाँ। तो दूसरी गल यह जदों असी कद्दू वाला झोना लाना शुरू कर दें उदों असी ये भी भुल जाने भी हुण इहनू भी पानी देना, समय समय पानी की लोड़ आ इहनू। जे असी इहनू भुल जावांगे सुकदा रहण दांगे खेत जां विचे साडे जिहड़े बूटे मरनगे, क्यों मरनगे, उत्थे लोहे की घाट आउंदी आ। जदों असी कद्दू करदे हाँ उदों लोहा दो फॉर्म दे विच मिलदा, फैरिक सल्फेट ते फैरस सल्फेट, पौधा हमेशा फैरस सल्फेट लैंदा। जे तुसी रोज़ गेड़ा मारोंगे फसल दे विच फसल तुहानू दस दूगी, फसल दसदी आ सानू कि हुण पानी की लोड़ आ, किहड़ी चीज़ की लोड़ आ। असीं उत्थों बहुत कुछ सीखते हाँ, पर टाइम सांभण की लोड़ आ, रोज़ गेड़ा मारन की लोड़ आ। तो इहो गल्लां जे असीं ध्यान रखांगे तो सानू मतलब जिहड़े इहदे विच साडी किन्ना ही डीजल बालदे हाँ फिर किन्नी असीं लेबर दिंदे हाँ वो सारी ही बचत है। काउंट करके देख लो मतलब किन्ने पैसे असीं बचाउने हाँ। जे 30 क्वांटल झाड़ ही कढ लैने आ, मैं कढदा, तो साढ़े प्लस वो जिहड़ी बचत लेबर की कीती आ डीजल की कीती आ वो जोड़ लो, तो साडा जिहड़ा प्रॉफिट है बहुत वध जांदा। तो दूसरी गल असीं आउण वालियां पीढ़ियां लई पानी बचा लिया। मेरा मैसेज किसानां तक होर लोकां तक ये होगा कि मतलब जिन्ना हो सके असीं रिसोर्सिस दी बचत करिए, जिन्ना हो सके असीं पानी नूं बचाइए। पानी दे ही सिर ते जिंदगी आ, असीं होरना धरतीआं ते जिंदगी लभदे फिरदे हाँ, पर इत्थे पानी क्यों नहीं बचा रहे, ना इत्थे हवा बचा रहे हैं, ना पानी बचा रहे हैं, ना दूषित कर रहे हैं और इहदी मतलब दुरवरतों कर रहे हैं। ये सानू मुख लोड़ है। जे असीं जीवन इत्थे देखना चाहुंदे हाँ सदियां तक जीवन रहे तो पानी बचाउणा बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो राही
किसान ने अपने निजी तजर्बे तुहाडे नाल सांझे कीते ने। इन्हां निजी तजर्बियां नूं अपनी जमीन की तासीर अते पौण पानी अनुसार लागू करदे होए खेतीबाड़ी माहिरां दी राय अनुसार ही अमली जामा पहनाउणा चाहीदा है।